हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि राठौर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, वोटिंग पोल की ज़रूरत यूट्यूबर्स को तब पड़ती है जब वो किसी असमंजस में हो या किसी परेशानी में, यानी कि वो किसी भी टॉपिक पर या किसी बात पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। इसमें उसको पब्लिक की ज़रूरत पड़ती है और उनका फीडबैक उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए वोटिंग पोल क्रिएट करना होता है और ये आप किस तरीके से कर सकते हैं, सारा कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वोटिंग पोल क्रिएट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको कुछ बातें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप वोटिंग पोल बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपके पास सबसे पहले कम्युनिटी टैब होना चाहिए। ये गिने चुने यूट्यूबर्स को ही मिलता है, ठीक है, सभी को नहीं दिया जाता है। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो यूट्यूब की गाइडलाइन को पूरे कर रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। तो जो लोग यूट्यूब की गाइडलाइन को पूरा नहीं करते उन्हें कम्युनिटी टैब नहीं दिया जाता, और जो लोग यूट्यूब की गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं उन्हें ही कम्युनिटी टैब दिया जाता है। तो वोटिंग पोल क्रिएट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले कम्युनिटी टैब होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे वोटिंग पोल क्रिएट करना है, चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर पहले देख लेते हैं और फिर आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम हमारे YouTube चैनल के होम पेज पर हैं। यहाँ पर हम साइन इन हैं और आपको बताने वाले हैं आज हम कि आप अपने YouTube चैनल पर वोटिंग पोल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है, कोई घबराने वाली बात नहीं, नॉर्मल से आप इसे बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास कम्युनिटी टैब होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको YouTube की गाइडलाइन को पूरा करने के बाद ही मिलता है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं। ये जो आप वीडियो अपलोडिंग का जो आइकॉन देख रहे हैं, इस पर ही आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास चार ऑप्शन आएंगे, वीडियो, लाइव, स्टोरी, पोस्ट। तो पोस्ट वाला ऑप्शन आपका काम का है और ये आपको तभी मिलता है जब आपके पास कम्युनिटी टैब हो। तो पोस्ट पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ लिखा हुआ आता है, शेयर ए स्नैक पिक ऑफ योर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई आती है। तो यहाँ पर आप अपने पब्लिक का फीडबैक लेना चाहते हैं, अपने सब्सक्राइबरों से कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर आपको कुछ टाइप करना होगा। तो यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आप ये लिख दीजिए, मेरी पिछली वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन मार्क देना होगा आपको क्योंकि आप पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, पहला वाला ऑप्शन होगा यहाँ पर वोटिंग के लिए, यस नो क्रिएट करने के लिए, और दूसरा इमेज अपलोड के लिए। तो पहले वाले पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एड ऑप्शन करके दो दिख रहे होंगे। यहाँ पर पहले वाले को आपको यस करना है क्योंकि आप उनसे पूछ रहे हैं, जिसमें आपको यस और नीचे नो दो ऑप्शन आपको देने हैं। 65 वर्ड में आप लिख सकते हैं, लेकिन जब आप उनसे कुछ पूछ रहे हैं तो सिर्फ यस और नो ही अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं आप पोस्ट लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पोस्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको नीचे पोस्ट क्रिएटेड व्यू लिखा आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपकी पोस्ट आपको शो की जाएगी, देखिए मेरी पिछली वीडियो आपको कैसी लगी, और यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन, परसेंटेज, सारा कुछ शो हो रहा है। तो आपको इस तरीके से वोटिंग पोल क्रिएट करना है, बड़ा ही आसान है। कम्युनिटी टैब अगर आपका इनेबल है तो आपके पास पोस्ट का ऑप्शन बिल्कुल ही आएगा, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं आएगा। इसके लिए आपको यूट्यूब की गाइडलाइन को पूरा करना है, और यूट्यूब की गाइडलाइन को पूरा करने के साथ साथ ही आपको चलना है, तभी जाकर आपको कम्युनिटी टैब मिलेगा। तो चलिए वापस से वीडियो पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, वोटिंग पोल क्रिएट करना बहुत ही आसान है, लेकिन आपके पास कम्युनिटी टैब होना बहुत ज़रूरी है। इसके जरिए ही आप वोटिंग पोल क्रिएट कर सकते हैं। आपको कहीं पर परेशानी हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, पब्लिक का फीडबैक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आपको वोटिंग पोल क्रिएट करना चाहिए। और अपने यूट्यूब वीडियो पर बीच बीच में आपको इसका इस्तेमाल भी करते रहना चाहिए, ताकि पब्लिक का फीडबैक जब आपको मिलता है तो आपके मन में नए नए आइडियाज़ आते हैं और नए नए वीडियो के टॉपिक भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, मैंने मेरी वीडियो में बना दिया। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से देखिए इस वीडियो को और अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो वीडियो का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। बाय।